तो सर ये टॉपिक है हमारा कि इशू ऑफ डिबेंचर्स, हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब हम जिसे हम कंपनी हैं, कंपनी जिसको अपने पास से डिबेंचर सर्टिफिकेट दे रही है, डिबेंचर सर्टिफिकेट देने को कहते हैं डिबेंचर इशू करना। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, किसी एक बंदे को दिया जा रहा हो, कोई कंपनी हो सकती है, ठीक है। इससे हम क्या ले रहे हैं, इसके बदले में पैसे नहीं ले रहे, डिबेंचर तो दे रहे हैं लेकिन उसके बदले में हम पैसे नहीं ले रहे। इसके बदले में हम बहुत सारे ऑप्शन हैं, या तो हम कोई उससे एसेट्स ले रहे होंगे, या उसका कोई बिजनेस ही हम परचेज कर रहे होंगे, या ऐसा भी पॉसिबल है कि सर हम उससे कोई सर्विस ले रहे हों, जैसे वो प्रमोटर हो, अंडरराइटर्स हो, तो या हम उससे सर्विस ले रहे हैं उसके बदले में डिबेंचर्स दे रहे हैं। तो लॉजिक तो क्लियर हो गया कि ये डिबेंचर अदर देन कैश का क्या मतलब है। अब यहाँ पे क्या होता है कि दो चीज़ें हैं, पहले तो ये तो हम सर्विस उससे लेते हैं, या हम एसेट्स ले लेते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि उसका बिजनेस परचेज करते, उसके बाद जाके हम डिबेंचर उसको इशू करते, पहले डिबेंचर इशू नहीं करते। तो इसमें दो एंट्रीज होती हैं बच्चा। पहली एंट्री जो होती है, अगर मैं एसेट्स की बात करूं, ये तीन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें से हम पहले बात करेंगे। एसेट्स हमने सामने वाली पार्टी से लिया, तो हमने परचेज किया है बच्चे एसेट्स को, परचेजेस एसेट्स। तो बेटा एसेट्स हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है जी, एसेट्स हम परचेज कर रहे हैं, और वो जो एसेट्स हम परचेज कर रहे हैं उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं उसको, डिबेंचर्स दे रहे हैं। तो पहले परचेज करना पड़ेगा, और उसके बाद हम जो उसको पेमेंट करेंगे, परचेज के बदले में जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो डिबेंचर की शक्ल में कर रहे हैं, हम उसको डिबेंचर दे रहे हैं। हमने उससे एसेट्स खरीदा और उसके बदले में क्या दे रहे हैं, डिबेंचर। अब बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई हम उसको डिबेंचर दे रहे हैं, उसके बदले में हमने उससे क्या लिया है, एसेट्स लिया है या सर्विस ली है। तो यहाँ पे एसेट्स ले रहे हैं, तो पहले हमने परचेज क्या किया बच्चा, उसके बदले में हम क्या उसको इशू करेंगे, डिबेंचर। तो डिबेंचर जो इशू करेंगे एक तरीके की वो पेमेंट कहलाएगी उस एसेट्स के बदले में। बात समझ में आ रही है? तो सर जब आपने एसेट्स लिया, तो किसी भी कंपनी से कोई एसेट्स अगर आप लेते हैं तो आप वहां पे लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स। सर क्या ये सन्ड्री एसेट्स आप हमेशा लिखेंगे? नहीं, अगर वहाँ पे एसेट्स का नेम कोई गिवन हो तो वो एसेट्स का नेम लिखेंगे। नेम नहीं है तब क्या लिखेंगे सर, सन्ड्री एसेट्स लिखेंगे। उसके बाद जिस भी पर्सन से या कंपनी से आपने इस चीज़ को लिया है, आप उस कंपनी का यहाँ पे नाम लिखेंगे। नेम दे रखा है तो लिखेंगे, नहीं दे रखा है तो आप उसकी जगह पे क्या लगाएंगे सर, वेंडर अकाउंट लिख देंगे, और ये वैल्यू लिख देंगे। तो ऐसे ही सेम टू सेम टॉपिक हमने पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स में भी, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा भी आपको याद है तो ये बहुत आसान लगेगा। तो हमने एसेट्स खरीदा वेंडर, मैंने आपको क्या बताया बेटा, सन्ड्री एसेट्स कब लिखना है, जब एसेट्स का नेम नहीं हो। वेंडर कब लिखना है, जब पार्टी का नेम नहीं हो। तो पार्टी का नेम अगर दिया रहता तो हम ये लिखते, वेंडर मतलब होता है बेचने वाला। अब हम क्या करेंगे, इस वेंडर को पेमेंट करेंगे, तो वेंडर हमारे लिए लायबिलिटी थी, लायबिलिटी क्रेडिट हुआ था। अब इसे हम अगर पेमेंट करेंगे तो वेंडर हमारा डेबिट हो जाएगा, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, जितना भी आप पेमेंट कर रहे हैं। अब देखिए पेमेंट्स जो है ना वो डिपेंड करता है कि आपने कंसिडरेशन के टाइम पे क्या क्या बातें रखी सर। तो पेमेंट के टाइम पे ये डिसाइड किया जाता है कि हम पेमेंट क्या करेंगे, क्या हम उसको शेयर्स दे रहे हैं, क्या हम डिबेंचर्स दे रहे हैं, क्या हम उसे ड्राफ्ट से पेमेंट कर रहे हैं, कोई बिल एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो जो बातें कहेगा, जिस टाइप की भी पेमेंट होगी वो क्रेडिट होगा। अभी हम मान के चलते हैं कि डिबेंचर्स की ही है, क्योंकि टॉपिक हमारा डिबेंचर है, तो हम मान के चलेंगे डिबेंचर से पेमेंट हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2% डिबेंचर अकाउंट, क्या लिखेंगे सर, 2% डिबेंचर अकाउंट। एक एंट्री ऐसे होगी, ऐसा तब होगा जब डिबेंचर्स को आपने इशू किया होगा, किस पे बेटा, एट पार पे। पार का मतलब है ना हमने प्रीमियम चार्ज किया, ना ही हमने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया। लेकिन तीन सिचुएशन हो सकता है कि आपने पेमेंट जो है या तो एट पार पे कर रहे हैं, जितना आपने उसके एसेट्स लिया उतने का ही आप डिबेंचर भी उसको दे रहे हैं, ये एट पार हो जाता है। जितने का आपने उससे एसेट्स लिया उतने का ही क्या दे रहे हैं बेटा, आप डिबेंचर्स भी दे रहे हैं।
लेकिन अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है कि आप उससे जितने का एसेट्स ले रहे हैं, अनुस पेन लेके आने, ये वाला ये ले जाओ, हाँ जी सर कर लिया नोट। तो यहाँ पे आपने ये डिबेंचर को कैसे इशू किया, एट एट डिस्काउंट। अब देखिए जो वैल्यू होती है वो एसेट्स की तो आपको गिवन होती है, यहाँ पे भी जो एसेट्स की वैल्यू वो ये डिबेंचर की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स्ट्रा आप ले नहीं रहे थे। यहाँ पे आपका जो है डिबेंचर की वैल्यू और एसेट्स की वैल्यू सेम नहीं होनी है, ना ही यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू और डिबेंचर की वैल्यू सेम होगी, दोनों में अलग होगा। एसेट्स बोले तो वेंडर की वैल्यू जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वेंडर में वही वैल्यू आएगा जो एसेट्स का रहा होगा। तो इसमें क्या होता है, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है जिसमें आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स को भी कैलकुलेट करना पड़ता है। याद है थोड़ा बहुत? और नहीं याद है तो अभी याद कर लेंगे कि भाई आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स भी कैलकुलेट करना है साथ साथ। नंबर ऑफ डिबेंचर्स का तरीका क्या है बच्चे? तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे, साथ में लिख लीजिए, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड इज इक्वल टू का कंसिडरेशन, जितने का आपने वादा किया वेंडर्स को पेमेंट करने का एज अ डिबेंचर्स, जितने के लिए आप डिबेंचर पे कर रहे हैं वो कंसिडरेशन, डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू। अगर SPR है तो आप उसे प्लस कर दीजिए, और बेटा अगर डिस्काउंट है तो आप क्या करेंगे, उसे माइनस करेंगे। तो दोनों में से कोई एक ही होगा एक क्वेश्चन में, या तो SPR गिवन होगा आपके सामने या फिर आपके सामने डिस्काउंट होगा। इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट, फिर इसके ऊपर आते हैं बेटा, हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। जब तक क्वेश्चन नहीं तब तक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आएगा। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू टू वेंडर्स अकाउंट बीइंग बीइंग बिल्डिंग एक्वायर, कितनी वैल्यू बच्चे? ये आ गया सर आपका 9 लाख। उसके बाद आप वेंडर्स की पेमेंट की एंट्री करेंगे, लिखेंगे सर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिबेंचर्स था, तो यहां लिखेंगे आप 10% डिबेंचर्स अकाउंट, और क्योंकि इसमें डिस्काउंट है तो हम इसे डेबिट करेंगे डिस्काउंट को, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है जी, बीइंग डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। ये वेंडर की वैल्यू, तो देखिए वेंडर की वैल्यू जो होती है बेटा ये डेबिट और क्रेडिट से आती है, जो क्रेडिट में था ना वहीं से आया है आपका, ठीक है सर। और ये कितना आएगा, ये 9 लाख।
अब निकालेंगे आप नंबर ऑफ डिबेंचर जो कि वर्किंग नोट में आप निकालते हैं, तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर इशूड, नंबर ऑफ डिबेंचर, तो टोटल कंसिडरेशन हमारे पास 9 लाख है। बताइए सर डिबेंचर की फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू बेटा 100 का, और इसमें है हमारे पास डिस्काउंट, तो हम इसमें माइनस लगाएंगे, और जो 10% है इस वाली वैल्यू का 10% डिस्काउंट है। फेस वैल्यू का हमेशा होता है बेटा, कितना आएगा? 9 लाख डिवाइडेड बाई 90, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? ये आ जाएगा सर 10,000 ना। अब इसी 10,000 को आपने यहाँ पे लिखना है, 10,000 इंटू का 100 ये है, और डिस्काउंट में उसी हिसाब से आ जाएगा आपका। तो ये वैल्यू देखे तो ये हो जाता है सर आपका 10 लाख, और डिस्काउंट कितने का हो गया सर? 1 लाख। बात समझ में आ गई आपको? बोलिए बच्चे, कोई सवाल है यहाँ पे?